संगलदान में महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, अवाम परेशान, तमाम मंसूबे ठप, सियासी वादे सराब साबित। संगलदान में मुकामी लोगों ने जोरदार एहतजाजी मुजाहरा करते हुए महकमा जल शक्ति के खिलाफ सख्त नाराबाजी की। मुकामी लोगों ने संगलदान बाजार में एहतजाज करते हुए कहा कि यहां पर महकमा के तमाम मंसूबे ठप पड़े हैं और महकमा के मुलाजमीन फोन तक नहीं उठाते हैं। मुजाहरीन का कहना है कि यहां तमाम सियासी वादे सराब साबित हो रहे हैं, बल्कि लोगों का पानी रेलवे वालों को बेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहां डीडीसी, सरपंचों व दूसरे लीडरान के लोगों को ही पानी दिया जाता है और आम लोगों का कोई परसा हाल नहीं है। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर रामबंद से मुतालबा किया कि यहां पर जो महकमा के मुलाजमीन हैं उनको नौकरी की जरूरत नहीं है, उन्हें बर्खास्त किया जाए और यहाँ इन मुलाजमीन को तैनात किया जाए जो आवाम को पानी दे। पेश है संगलदान रामबंद से भट्ट जुल्फकार की ये खास रिपोर्ट। पंचायती इलेक्शन हुआ है तब से हमने अभी तक पानी का कतरा नहीं देखा। टीएचई डिपार्टमेंट की तरफ से दावे तो बहुत कर रहे हैं कि हमने पानी जगह जगह में पहुंचाया है, मगर ग्राउंड लेवल पे कोई पानी नहीं दिख रहा है। और उनके मुलाजमत को हम फोन तक करते हैं, वो फोन तक नहीं हमारा अटेंड करते हैं। हमारा यही कहना है कि डीसी साहब को हमारा यही मैसेज पहुंचना चाहिए कि जितने भी मुलाजम यहाँ पे हैं इनको यहाँ से सस्पेंड किया जाए, वरना हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ना हमें पानी मिलेगा। यहाँ इनको सस्पेंड किया जाए, दूसरे मुलाजमों को यहाँ पे भेजो, वरना ये आवाम जो तरस रही है इस वक्त इस गर्मी की शिद्दत से। और ऐसा ही इनको भी होना चाहिए, उन लोगों को, वो बैठे हैं अपने अपने सोफों पे, कुर्सियों पे, उनको तनख्वाह मिल रही है, उनकी सैलरी बंद होनी चाहिए। इनके दावे जो है फेल है। पीएचई डिपार्टमेंट पूरा हमारे संगलदान पंचायत में फेल है। संगलदान पंचायत में क्या इस ब्लॉक संगलदान में पूरा फेल है। हमने प्रोटेस्ट पिछले 15 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारा प्रोटेस्ट है पीएचई डिपार्टमेंट वालों से, क्योंकि हमारा पानी जो है पीएचई डिपार्टमेंट वालों ने रेलवे वालों को पूरा भेज दिया है। जितना पानी है वो रेलवे वालों को भेजते हैं, रेलवे वालों से पैसे लेते हैं और अपना घर भर रहे हैं। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी है वो भी इसमें मिलावट पूरा मिला हुआ है रेलवे वालों के साथ, क्योंकि हमारा पानी जो भी हमारे हैंडपम्प जो आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो हैंडपम्प लगाए, लेकिन वो हैंडपम्प उन लोगों को देते हैं जो इन एमएलए या डीडीसी चेयरमैन के जो चमचे होते हैं उनको दिए जाते हैं। वो अपना मोटर लगा के उसको और पानी को बेचते हैं और रेलवे वालों को। हम लोग उसकी वजह से परेशान हो रहे हैं। हमारा पानी ज़मीन से निकाला जाए तो रेलवे वालों को बेचते हैं, रेलवे वाले अपना पानी खुद इस्तेमाल करें, खुद कहीं से भी इंतजाम करेंगे, कहीं से भी ला के अपनी जहाँ भी उनको इस्तेमाल कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन हम गरीब लोगों का पानी वो इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। जितने भी चश्मे पहले हमारे थे वो सभी ज़मीन बोस हो गए, उन्होंने अपना पानी जो हमारे जो टनल यहाँ से निकाल के उस टनलों में वो पानी निकल रहा है और हमारा पानी आज जो वो ज़मीन पे नहीं आ रहा। और हमारा डिपार्टमेंट से इतनी ही रिक्वेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि हमारा पानी हमें दिया जाए। इन्होंने आज से पहले कहा था कि हमने पाइप लाइनें बिछा दी हैं, लेकिन पाइप लाइनें तो हमें तो नज़र तो नहीं दिखाई दे रहे, ना तो हमें ज़मीन के अंदर नज़र ना होते उसके ऊपर।